हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल सैनी साहब यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम जानते हैं रेलवे लोको पायलट भर्ती 2024 के लिए आवेदन किस प्रकार करते हैं। जैसे हम क्रोम पे सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे, जैसे ही हमने सर्च किया नीचे लेटेस्ट जॉब में रेलवे ALP भर्ती 2024, या फिर हम जस्ट ऊपर आएंगे और यहाँ पे RRB ALP 2024 ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपन ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा जहाँ पे हम एबिलिटी देख सकते हैं, अपना चालान देख सकते हैं, लास्ट डेट देख सकते हैं, इस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी ये देख सकते हैं, कौन से जोन से भरना है ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे RRB इसे नो करेंगे, इसे भी नो कर देंगे हम, और PWD यानी विकलांग को हम नो कर देंगे। तो यहाँ पे हम इंडियन चुन लेंगे, जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे हमें 10th की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम टाइप कर देना है, यहाँ पे वापस वेरीफाई नाम टाइप करना है, यहाँ पे हमें नेम चेंज को नो कर देना है, और यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। जैसे हम डेट ऑफ बर्थ डाला तो हम जस्ट आगे आएंगे और यहाँ पे रिटाइप डेट ऑफ बर्थ, वापस डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पे हम जेंडर चुन लेंगे, मेल फीमेल जो भी है, फादर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, यहाँ पे रिटाइप मदर्स नेम डालेंगे, ये डालने के बाद जस्ट नीचे आएंगे, और यहाँ पे हमें अपने आधार नंबर टाइप करेंगे। जैसे हमने आधार नंबर टाइप किया, वेरीफाई यूज आधार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और नीचे वाले आई कंफर्म चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और जस्ट नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो हमारा आधार वेरीफाई हो गया, और हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स में ईमेल एड्रेस डालेंगे। मेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे OTP पे क्लिक किया अपनी मेल पे एक OTP आएगा, तो हमारे पास OTP आ गया, हम OTP दर्ज करेंगे। जैसे हमारे पास OTP आया हम OTP दर्ज कर दिए और यहाँ पे हम जस्ट नीचे मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारे पास OTP आता है हम OTP दर्ज करेंगे, OTP दर्ज करने के बाद जस्ट नीचे आएंगे और हम यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, हम जो भी लगा दें, ASDF@123 जो भी हम कुछ भी लगाना चाहिए, इंग्लिश एट द कैरेक्टर और सिंबल्स जिसमें तीनों हो तो वह पासवर्ड क्रिएट करेंगे। जैसे पासवर्ड क्रिएट करके हम यहाँ पर कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल करके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएगा। हम इसके अंदर अपनी डिटेल्स चेक करेंगे, अगर हमारी डिटेल्स सही है तो हम आई हैव पे क्लिक करके सबमिट अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे और प्रोसेस्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेस्ड पे क्लिक किया हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया और अब हम लॉगिन करके अपने फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लॉगिन करने के लिए हमें मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से एक डाल देना है।
जैसे हमने मोबाइल नंबर डाला और जो हमने पासवर्ड क्रिएट किए हैं वह पासवर्ड डालेंगे और हम यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर देंगे। जैसे हमने कैप्चा फिल किया और लॉगिन पे क्लिक किया, हमारा आईडी और पासवर्ड जनरली लॉगिन हो गया। जस्ट नीचे आएंगे, जैसे नीचे आते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे हम अपना जोन चुन लेंगे कहाँ से हमें फॉर्म फिल लगाना है, कौन से जोन से हमें फॉर्म लगाना है यहाँ से चुन लेंगे। और हम यहाँ पीछे आकर हम यहाँ से पोस्ट भी देख सकते हैं, हमें कहाँ कितनी पोस्ट, हमारी कैटेगरी कितनी पोस्ट है, तो हम कहाँ से फॉर्म लगाना हमारे लिए अच्छा रहेगा उस हिसाब से हम यहाँ से चेक करके अपना फॉर्म लगाएंगे। जैसे हम यहाँ से चेक कर लेंगे हमें कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म लगाना है, तो हमें जैसे हमें लगाना है बिलासपुर से, तो हम जस्ट बिलासपुर से फॉर्म लगाएंगे। और दोनों पोस्ट हैं असिस्टेंट लोको पायलट SECR, असिस्टेंट लोको पायलट CR। दोनों का चयन करके हम आई एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे हम दोनों का चयन किया और आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया अपना ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो गया। हम यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेक करेंगे जो हमने पहले फिल की है, ऑलरेडी हमारी डिटेल्स आ चुकी है। और हम यहाँ पे मेरिट स्टेटस, मेरिड अनमेरिड जो भी है चुन लेंगे। रेजिन के अंदर हम हिंदू चुन लेंगे जो भी है। यहाँ पे हम अपनी लोकल लैंग्वेज चुनेंगे जो हमारी हिंदी है। लैंग्वेज चुनने के बाद हम जस्ट आगे आएंगे और यहाँ पे हम परमानेंट वाटरमार्क आइडेंटिफाई, यहाँ पे हम अपने शरीर के जो भी चिन्ह है उसके बारे में दर्शाएंगे। अगर हमारे शरीर में कोई चिन्ह नहीं है तो हम नो मार्क कर देंगे, अगर है तो हम यहाँ पे दर्शाएंगे हमारे किसी भी हाथ पैर शरीर में कहीं पे भी मार्क हो तो हम मार्क दर्शाएंगे। हम जैसे हमने शरीर के मार्क दर्शा दिए दो, तो जस्ट हम नीचे आएंगे, दोनों के अंदर मार्क दर्शाना है और जस्ट हम नीचे आएंगे कम्युनिटी, इसके अंदर हमारी कैटेगरी जो भी ST SC OBC जो भी है हम उस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे हमारी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, यहाँ OBC नॉन क्रीमर यस करेंगे। हम एग्री पे क्लिक करेंगे तो हमारा जाति प्रमाण पत्र जो सेंटर का होना चाहिए, सेंटर का जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे हम। यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट नंबर लगेगा। जैसे हमने नंबर फिल किया, यहाँ पे हम यह चुन लेंगे कि जाति प्रमाण पत्र को कौन जारी करता है। जैसे हमारा तहसीलदार जारी करता है तो हम सब डिविजनल ऑफिसर कहेंगे, सब डिविजनल ऑफिसर। जस्ट आगे आएंगे, हम अपना स्टेट चुनेंगे किस स्टेट से जारी हुआ है, तो राजस्थान से हुआ हमारा। यहाँ पे उसकी डेट ऑफ इशू डालेंगे कब जारी किया गया, जैसे डेट ऑफ इशू डाला जस्ट नीचे आएंगे अपना एड्रेस डालेंगे। जैसे स्टेट डाला राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया जिस डिस्ट्रिक्ट से अपन है, जस्ट हम नीचे आएंगे और यहाँ पे अपना एड्रेस, विलेज, पोस्ट जो भी हमारा एड्रेस लगाते हैं वह एड्रेस डालेंगे। जैसे हमने एड्रेस डाला जस्ट नीचे आएंगे, विलेज, सिटी जो भी हमारा गांव है वहाँ का नाम लिखेंगे और यहाँ पे पिन कोड दर्ज करेंगे। जैसे ही पिन कोड दर्ज किया नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो सेम एड्रेस यहीं पे परमानेंट एड्रेस में भी आ जाएगा। और हम सेव पे क्लिक करेंगे, जैसे ही सेव किया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट किया
नया पेज ओपन हो गया और यहाँ पे हम जो भी एक्स सर्विस मैन है वो नो कर देंगे। जस्ट नीचे आएंगे, यहाँ पे इसे भी हम नो कर देंगे। जस्ट नीचे आएंगे, रेलवे एम्प्लॉय इसे भी नो कर देंगे। जस्ट नीचे आएंगे, नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट इसे नो कर देंगे, नोट अप्लाई कर देंगे। हमने किसी डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर रही। कोर्स कंप्लीट, यानी आपने किसी अप्रेंटिस कोर्स किया है तो यस करेंगे, वरना नो करेंगे। यहाँ पे हम अपने पेमेंट रिफंड के लिए अकाउंट डिटेल्स डालनी है, तो जो फॉर्म में अपने फॉर्म में नाम है उसी की अकाउंट डिटेल्स डालनी है हमें। तो अकाउंट नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालकर हमें सर्च पे क्लिक करना है। जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हम अकाउंट डिटेल्स डालेंगे, डालकर हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने अकाउंट डिटेल्स डाला, और जैसे अकाउंट डिटेल्स डालते ही हमारा अकाउंट डिटेल्स आ गई और हम सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव पे क्लिक किया हमारा डेटा सेव हो गया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया नया पेज आ गया, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालेंगे। जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेंथ की क्वालिफिकेशन मांग रहा है। यहाँ पे टेंथ की स्टेट चुनेंगे, किस स्टेट से हमारी टेंथ क्लास पास हुई है, तो हम राजस्थान लगाएंगे। डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे बोर्ड चुनेंगे, तो हमारी किस बोर्ड द्वारा मान्यता है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा। यहाँ पे हम हमारी रिजल्ट की डेट डालेंगे, वहाँ कब हमारी मार्कशीट प्रिंट होकर आई, डेट ऑफ इशू। और यहाँ पे जस्ट आएंगे हम, रोल नंबर फिल करेंगे। जैसे हमने डेट डाली, हम जो भी पास किया है, कब पास किया है हमने टेंथ, वह डेट डाल देंगे हम यहाँ पे। जैसे हमने डेट डाली, यहाँ पे हम टेंथ के रोल नंबर डालेंगे। जैसे रोल नंबर डाले ऐड पे क्लिक करेंगे, अपना डेटा ऐड हो गया। जस्ट क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पर आईटीआई लगाएंगे। हमारे पास आईटीआई है, हम आईटीआई लगाएंगे, पॉलिटेक्निक वाले पॉलिटेक्निक लगाएंगे। तो हम आईटीआई है, तो किस प्रकार की हमारी आईटीआई है, हमारी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की है, तो हम जस्ट इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करेंगे। या हमारी और किसी प्रकार की हो तो उस पर क्लिक करके हम फॉर्म फिल करेंगे। तो हमारी इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन पे क्लिक करेंगे। स्टेट का चयन करेंगे, राजस्थान से है। डिस्ट्रिक्ट का चयन करेंगे, जस्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट से हमने आईटीआई पास की है उस इंस्टीट्यूट का नाम दर्शाएंगे। जैसे हम नाम लिखेंगे इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट का नाम डालने के बाद हम पासिंग ईयर डालेंगे, कब हमने पास किया। जैसे हमने इंस्टीट्यूट नाम डाल दिया और पासिंग ईयर का चयन करेंगे। जैसे ही पासिंग ईयर का चयन करेंगे, जस्ट आगे आएंगे, सर्टिफिकेट इशूड पे हम एनसीवीटी का चयन करेंगे। जैसे एनसीवीटी का चयन किया, सर्टिफिकेट टाइप में हम नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट करके ऐड करेंगे। ऐड करके जस्ट नीचे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
जैसे हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अपना अगला पेज ओपन हो गया। जस्ट नीचे आएंगे, अब हम यहाँ पर अपने फ़ोटो और साइन अपलोड करेंगे। तो हमें फ़ोटो का फ़ोटो अपलोड करनी है। जैसे हमने फ़ोटो अपलोड किया, जैसे हमने पहले से सेलेक्ट कर रखे फ़ोटो, तो हमने फ़ोटो अपलोड किया। जस्ट नीचे आएंगे, ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और सिग्नेचर अपलोड कर लेने हैं। जैसे अपडेट एंड सेव पे क्लिक करेंगे, हमारा डाटा सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपना अगला पेज ओपन होगा। और अब हम यहाँ नीचे आएंगे और सिलेक्ट ट्रेड का चयन करेंगे, हमने किस ITI से फॉर्म लगाया। जस्ट नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम इस चेक बॉक्स का चयन करेंगे। इस चेक बॉक्स का चयन करके जस्ट नीचे बढ़ेंगे। जैसे हमने इस चेक बॉक्स का चयन किया, और हम नीचे के चेक बॉक्स पे भी क्लिक करेंगे और पहले इसके अंदर हम अपने गांव का नाम या ज़िले का नाम डाल सकते हैं, दोनों में से एक डालेंगे। और प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने एक चेक बॉक्स क्लिक नहीं किया, हमने चेक बॉक्स क्लिक किया, प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक किया, यहाँ पे अपने फॉर्म का फॉर्मेट हमारे सामने आ गया। अब हम इस फॉर्मेट के अंदर अपनी सभी डिटेल्स चेक कर लेंगे। अगर किसी प्रकार की गलती है तो हम एडिट पे क्लिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। अगर हमारा फॉर्म कम्प्लीटली सही है तो हम आई हैव पे वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। जैसे ही हमने सबमिट पे क्लिक किया तो एक ऑप्शन पेज आया, और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट किया, हमारा एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। और अब हमें चालान काटना है तो हमें पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक किया, और अब हम यहाँ अपनी नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI, किसी से भी हम पेमेंट काट सकते हैं। जैसे हम पेमेंट काटेंगे, हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगा। तो हेलो गाइस, आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।